और मतलब मैं सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रही। पढ़ मैं जरूर रही थी, मेरे दिन के 10-15 घंटे होते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, बट फिर भी मेरा कोई पेपर होता नहीं था। नहीं सीरियसली आप हंस रहे हो, बट एक्चुअली मेरा यही था, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक इकलौता सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होती है, और विद इन टाइम, जिस बच्चे के लिए टाइम बहुत मैटर करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, बैंकिंग सेक्टर उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। प्लस आपको इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है एज अ पीओ ऑल्सो। मतलब अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ, यू हैव टू फेस योर फियर, अगर आपको डर लगता है जस्ट गो फॉर इट, और आप जब करते हो तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। सो हेलो एवरीवन, आज ये स्पेशल वीडियो काफी हमारे साथ वन ऑफ द कॉन्फिडेंट पर्सन आई नो, वो है, ये एक अच्छी सिंगर भी हैं और मेरे बैचमेट है। इन्होंने LIC में भी काम किया और अभी ये PNB में प्रोबेशनरी ऑफिसर है। तो लेट्स वेलकम हर, उनके बारे में काफी कुछ जानेंगे, प्रेपरेशन के बारे में भी जानेंगे और वो एक अच्छे सिंगर भी है तो कुछ सुन भी लेंगे उनसे। सो आई वेलकम यू ऋतु। थैंक यू सो सो मच रवि। ओके हाँ जी, तो मतलब पहले शुरुआत में मैं यही पूछूंगा कि अपना थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, ठीक है, और हमारे जो नए एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका देने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में नाम तो आपने मेरा बता ही दिया है, ठीक है। माई सेल्फ रितु एंड आई एम फ्रॉम जलंधर पंजाब। आई हैव डन बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी इन जून 2019, ठीक है, और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, एंड फ्रॉम फेब्रवरी टू नवंबर 2020 आई वर्क एज LIC असिस्टेंट। तो गाइडली आपके लिए लाया इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको हर चीज़ पे 50% ऑफ मिलेगा सब गाइडली प्रोडक्ट पे, चाहे वो PDF कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो 50% ऑफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर आप RKS12 कूपन कोड लगाएंगे तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि टोटल डिस्काउंट 62%। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता गाइडली का कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये अभी इनके करंट रेट्स हैं इन एग्ज़ाम कार्निवल में, जैसे PDF कोर्स प्री प्लस मेंस, जिसमें आपको 40,000 प्लस सवाल मिलते हैं, तो वो आपको सिर्फ 600 रुपये में, उस पर भी आप RKS12 लगा के 12% और डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इन रेट्स पे भी 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए RKS12 आप लगा लेना। एंड अगर आपको गाइडली का कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो इससे शायद बेहतर टाइम नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, सो यू कैन ग्रैब दीज ऑफर्स एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आपको मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे नहीं, मतलब जब हम ट्रेनिंग में भी थे, कि आप काफी कॉन्फिडेंट है। तो ये कॉन्फिडेंस की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कब आपने ये बिल्ड करना शुरू हुआ और हाउ हाउ इट हेल्प्स यू इन लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये मेरा कॉन्फिडेंस वाला जो फेज है वो शुरू हुआ था कॉलेज में। स्कूल टाइम में बहुत शाय थी मैं, ज्यादा इंटरेक्ट करती नहीं थी, अपने क्लास में पढ़ाई करी और हो गया बस, दैट्स ऑल। और इवन जैसे मुझे सिंगिंग का इतना शौक है, मैंने स्कूल में कभी परफॉर्म भी नहीं किया था, किसी को पता तक नहीं था कि मैं गाती भी हूँ, ठीक है। और जब मैं कॉलेज में आई, और उस टाइम भी मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं कभी स्टेज पे परफॉर्म कर सकूँ। मैं फर्स्ट ईयर में अपने फ्रेशर्स पार्टी में भी देखा, सबको देखा, हमारे इवेंट्स होते थे कि हाँ यार कितना अच्छा गा रहे हैं, मेरा मन भी करता था, बट मुझे लगता था आई एम नॉट दैट गुड, मैं कभी उस लेवल का गा ही नहीं सकती, और मैं नहीं कर सकती। बट सेकेंड ईयर में जब हमारा 26 जनवरी हमारे जो रिपब्लिक डे पे फंक्शन होता है, मेरी बहन ने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया कि तू अपना वो दे के आ, इंटरव्यू दे के आ, वहां पे गा के आ, हो सकता है तेरा सिलेक्शन हो जाए और तू गा सके। मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कहा नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, रहने तो मैंने नहीं जाना, ऐसे कोई बात नहीं। उसने मुझे बहुत कहा कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ कुछ नहीं होता, अपने फ्रेंड ठीक है। मैं गई और मैंने वहां पे ऐसे अपना ऑडिशन दिया, और वहां पे जो हमारे ऑडिशन लेने बैठे थे वो इतने इंप्रेस हुए, उन्होंने दे बी लाइक के तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने आगे सजेस्ट किया। फिर बैंड परफॉर्मेंसेस होनी थी, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि उन्होंने पूछा कि क्या तुम हमारे साथ परफॉर्म करोगी, और वो एक ऑनर था मेरे लिए कि हमारे कॉलेज का बैंड मुझसे पूछ रहा है कि हमारे साथ परफॉर्म करोगी, ठीक है। फिर मैंने कॉलेज की परफॉर्मेंसेस देनी स्टार्ट करी, और लिटरली जो उस चीज से मेरा डेवलप एक्चुअली ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ था, और मेरी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है कि मेरी जो कॉलेज की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस होनी थी वहां पे मैं सॉन्ग भूल गई थी स्टेज पे, ठीक है। इतना क्राउड था, इतनी हूटिंग थी, मैंने जस्ट गाना स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने एक सुर काइंड ऑफ लगाया था,
तो वो इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतनी हूटिंग हुई, मैं अपने लिरिक्स भूल गई, मेरा सारा ध्यान ऑडियंस पे था। वो इतनी प्रेशराइजिंग मोमेंट थी ना मेरे लिए। तो बट स्टिल सम हाउ एट दैट पॉइंट मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से अपना गाना स्टार्ट किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया। वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उस चीज़ ने मुझे ये सिखाया कि हो सकता है आपकी लाइफ में मोमेंट्स आती हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, आपको लगता है कि नहीं आप डर गए, बस हो गया, खत्म हो गया। बट नहीं, आपको एट दैट पॉइंट फिर से वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ करेक्ट, पे इंडक्शन जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी वहां पे भी ऐसा ही था। उन्होंने मुझे, मेरे ग्रुप ने कहा कि तुम लीडर बन जाओ, तुम परफॉर्म करो, पहले बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो चीजें शुरू से फिर वहां से डेवलप हुई थी और अभी तक वो हेल्प कर रही है। वो तो बिल्ड मतलब करती अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ, यू हैव टू फेस योर फियर। अगर आपको डर लगता है जस्ट गो फॉर इट, और आप जब करते हो तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे से बताया आपने। और एक मार्टिन लूथर जूनियर किंग का मेरे को एक कोट याद आ गया, जिससे मैं समराइज करूंगा कि यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयर केस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। तो आपको डर भी लगता है तो आप स्टेप लो। तो इतनी सिंगिंग की बातें होगी तो एक क्यों ना कुछ दो चार लाइंस हो जाए किसी आपके फेवरेट सॉन्ग की। ठीक है, मैं हिंदी गाना सुना देती हूँ जो मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग पे सबसे पहले दिन सुनाया था, करेक्ट, जब अपर्णा मैम ने मुझसे पूछा था। हाँ जी हाँ ठीक जी, है। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदावर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया हासिल मुझे आपकी नजरों ने, समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। थैंक यू बहुत राहुल। अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। आपने तो महफिल जमा दी। और ये मतलब गाने लोगों को सुनने चाहिए, कई बार अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो मैं आपका इंस्टा और जो यूट्यूब का पेज है उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर किसी को और भी डिटेल में गाने सुनने हुए तो वो सुन सकता है। ठीक है, तो अब बात थैंक यू। करते हैं थोड़ी सी प्रेपरेशन की। आपने मूड काफी लाइट बिल्कुल। कर दिया है। और अब प्रेपरेशन तो करते हैं, आपकी जर्नी प्रेपरेशन में मतलब कहाँ से शुरू हुई और आपने कितने टाइम में क्लियर कर दिया, और यही बताइए पहले तो आप। ओके। एक्चुअली मेरा पहले से ही फाइनल था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो मैंने, जब हमारा फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ बीटेक, ठीक है, बीटेक का फाइनल ईयर, तो वहां से मैंने बेसिक बेसिक शुरू कर दिया था अपना, साथ साथ में कॉलेज की स्टडी में, संडे वीकेंड्स में थोड़ा जितना भी टाइम मिला तो कुछ बेसिक्स मैथ्स के कर लिए, रीजनिंग थोड़ी बहुत कर ली। वहां से मैंने थोड़ा बहुत करना स्टार्ट किया था। लेकिन जून 2019, ठीक है, वहां पे मेरा कॉलेज खत्म हुआ। 17 जून को मेरा आखिरी दिन था कॉलेज में और 18 जून को मैंने बैंकिंग ओरिएंटेड स्पेसिफिकली तैयारी शुरू कर दी थी, और वो भी प्रॉपर तरीके से। पहले तो जस्ट फॉर द टाइमिंग, जितना मिलता था टाइम। सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स भी देखने शुरू कर रहे थे, क्योंकि मेरे बेसिक्स वगैरह कभी भी कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आती थी। और मैथ्स में मेरा ये था, मेरे बेसिक्स सारे क्लियर थे, मुझे आता था क्वेश्चन कैसे करना है। बट बैंकिंग में जब मैंने ये देखा, जब मेरा सबसे पहला पेपर हुआ था SBI PU, जून जुलाई में ही हुआ था वो शायद, उस टाइम मैंने ये देखा मेरी स्पीड बहुत कम है। मैंने हार्डली SBI PU में 50 क्वेश्चन, 40-50 अटेम्प्ट किए थे पूरे 100 में से, ठीक है। वहां मुझे लगा कि मुझे आता तो सब था बट मेरी स्पीड बहुत कम थी। फिर उसके लिए मैंने तैयारी अलग से शुरू करी थी, और मैंने वीडियोस वगैरह जो देखी कि एक क्वेश्चन को कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके, 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ तरीके होते हैं जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन अगर हम बोलें, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज बेसिस, इन सब बेसिस पे आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो मैंने वो सारे लेक्चर्स देख के अपना खुद का टाइमर लगा के उसको सॉल्व करती थी क्वेश्चन को, कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे करूँ। फिर जब, क्योंकि मेरी प्रेपरेशन अभी चल रही थी, तो मैं हफ्ते में सिर्फ 2-3 मॉक टेस्ट देती थी सो दैट मेरा एक लिंक बना रहे। सेम विद रीजनिंग, रीजनिंग मेरी ठीक थी, ठीक है, बस पजल्स में दिक्कत थी, बाकी सब मेरा सिलेबस मुझे पता ही था कैसे करनी है, क्वेश्चन वगैरह कैसे अप्रोच और तरीकों से कैसे करते हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी टाइमिंग्स में। वो चीज़ हुई, बस ये था मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल से मेरी स्टडी हुई है 12th तक, उस वजह से मेरा इंग्लिश में इतना एक्सपोजर रहा नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत बैंकिंग ओरिएंटेड इंग्लिश में ये आती थी।
तो उसकी भी हमारे वाईफाई स्टडी पे विशाल परिहार सर थे, वो द हिंदू एनालिसिस करवाते थे कि द हिंदू कैसे पढ़े, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। हिंदू मैं रीड करती थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या है। उन्होंने, मैं उनका एनालिसिस देखती थी, पढ़ती थी, वोकैबलरी रोज नोट डाउन करनी, फिर नेक्स्ट डे रोज की नोट डाउन करनी, पिछले दिन की रिवाइज करनी, फिर थर्ड डे पिछले 2 दिन की रिवाइज करनी और नोट डाउन करनी, तो एनालिसिस। और वो मेरे 1-1.5 महीना ऐसे करा, तो फिर मेरी खुद इतनी डेवलपमेंट हो गई थी कि मैं खुद ही अब पढ़ती थी। मैंने फिर द हिंदू का एनालिसिस भी देखना बंद कर दिया था, खुद ही पढ़ती थी, खुद ही एनालिसिस करती थी। उससे ये होता था, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है वो मेरा कवर हो जाता था, कहीं ना कहीं करंट अफेयर उसका हो जाता था। दूसरी चीज, इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बलिंग, ये 3-4 चीजें जो है आपकी सिर्फ उस आर्टिकल को पढ़ने से ही काफी अपने आप ही कवर होने लगी थी। मुझे आइडिया भी नहीं था, बट जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मुझे खुद रियलाइज होने लग गया था कि मेरी कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। ठीक है, और उसके अलावा जो पहले तो मेरा यही था कि मुझे ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें मेनली करना है, प्रॉपर अपना प्रिपेयर करना है। फिर मैंने, मतलब मेरा, बट फिर भी एसबीआई पीओ नहीं हुआ, एसबीआई जो क्लरिकल था वो नहीं हुआ, आरआरबी पीओ दिया वो भी नहीं हुआ, आरआरबी क्लरिकल दिया, आरआरबी क्लरिकल भी नहीं हुआ कुछ। मतलब ये 3-4 पेपर तो मुझे थोड़ा होने लग गया कि मैं शायद सही नहीं कर रही, मेरी और मतलब मैं सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रही। पढ़ मैं जरूर रही थी, मेरे दिन के 10-15 घंटे होते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, बट फिर भी मेरा कोई पेपर होता नहीं था। नहीं, सीरियसली आप हंस रहे हो, बट एक्चुअली मेरा यही था। तो फिर मेरा पहली बार मैंने जब आईबीपीएस पीओ दिया, इसमें मेरा ये प्री क्वालिफाई हुआ आईबीपीएस पीओ। फिर उसके बाद से जो मैंने पेपर दिया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, एलआईसी असिस्टेंट, पीएसपीसीएल, ये सारे मेरे पेपर के प्री और मेंस निकल गए थे। तो ये छोटी सी जर्नी प्रीलियम के रिलेटेड थी। फिर उसके बाद जीके के लिए मैंने साथ साथ में दो टॉप 10 10 करंट अफेयर जो आते थे पहले वही पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो जब मेरा हो गया था कि हाँ मेरी प्रीलियम की प्रेपरेशन पूरी है, तो अड्डा 247 जैसे है, उनकी पीडीएफ आती है, उनके काफी अच्छे से करंट अफेयर डीपली भी आते हैं कि पुरानी जो हिस्ट्री भी वो बताते हैं, तो वो मैंने साथ में पढ़नी शुरू कर दी थी। फिर जैसे ही जब मेरा मेंस आया, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस आया तो मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे। इधर रिजल्ट आया और पहले ही हफ्ते चिकन पॉक्स हो गए, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि अभी मेरा मोस्ट क्रूशियल टाइम है और ये मेरे को ऐसा हो गया। बट उस टाइम पे फिर, जैसे कहते नहीं है कि स्मार्ट वर्क यू नो ज्यादा बेटर काम करता है आपके लिए कई बार हार्ड वर्क, उस टाइम इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं फिर से वो यू नो ज्यादा अच्छे से डीप से पढ़ सकूं, मेंस के मॉक टेस्ट ज्यादा दे सकूं, बैठ बैठ पाती नहीं मैं ज्यादा। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे स्टडी आईक्यू की पीडीएफ आती हैं करंट अफेयर की, 200 400 की, मैंने वही पढ़नी स्टार्ट करी। मैंने उस महीने में मोस्ट ऑफ द टाइम अपना करंट अफेयर को दिया या मैथ्स को दिया। ठीक है, इंग्लिश मेरी अच्छी हो चुकी थी, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया था इतने टाइम में, क्योंकि मुझे तो एग्जाम दिया उसमें 50 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्ट मेरी उस, जो मैंने पढ़े थे डायरेक्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे यू नो उसमें से आए थे, और उस चीज ने मुझे मतलब मेरी फाइनल कट ऑफ क्लियर करवाने में बहुत हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसमें आपकी इंग्लिश और जीके ही है जो आपको प्रॉपर फाइनल कट ऑफ क्लियर करवाती है। तो ये मेरी ठीक ओवरऑल मतलब स्ट्रेटेजी थी जिसने मुझे हेल्प किया है। है, बहुत आपने डिटेल में बताया। मतलब एक एक क्वेश्चन मैं पूछता, लेकिन आपने सारा एक साथ बता दिया, बहुत अच्छा किया, टाइम बचा लिया थोड़ा। इसमें ना कई बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि जो अरिथमेटिक के कंसेप्ट्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार, बट उसको रिटेन नहीं रख पाते। तो क्या मतलब प्रैक्टिस वगैरह से होता है, या कैसे आपने मतलब कैसे आप एग्जाम टाइम पे सॉल्व कर पाते थे अरिथमेटिक के बारे में मैं स्पेसिफिक। नॉर्मली जब भी मैं कोई क्वेश्चन देखती हूँ, मेरा पहले यही होता है कि मुझे इसको अपने तरीके से ही करना है, जैसे मेरा खुद का कॉन्सेप्ट मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ 10th तक 12th तक, ठीक है तो वही चीजें हैं, बस उसको एडवांस करके दी हुई है। तो पहली मेरी, चाहे मुझे उस क्वेश्चन को इवन 1 घंटा भी लग जाए, तो मेरा यही होता था मुझे खुद सॉल्व करना है। एक तरीके से मैं अपनी ईगो पे ले लेती थी कि ये है वो कैसे नहीं रहा मुझसे, क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में आपको ईगो अपने घर पे छोड़ के जानी होती है, उस वहां पे नहीं करनी। जब मैं घर की बात कर रही हूँ, तो जब आप क्वेश्चन ऐसे देख रहे हो, आपको उसको पूरा अपना बेस्ट देके देखना है कि यार मेरे से हो क्यों नहीं रहा, ऐसी कौन सी बात है, ये क्या इसमें है जो मुझे नहीं आता, या क्या चीज है। फिर अगर आपसे नहीं सॉल्व होता, फिर तो डेफिनेटली आप सोल्यूशन की तरफ जाओगे। ठीक है, और अगर आपने एक बार वो सोल्यूशन देख लिया, आपने सॉल्व किया, और सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक बार करके छोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन अगर मैंने देख कर भी करा है, मैंने फाइनल सोल्यूशन देख लिया है, तो मैं उसको कम से कम बाद में 3-4 बार फिर से सॉल्व करती थी कि क्या मुझे वो सोल्यूशन तरीका दिया
याद है मैंने कैसे किया था, ठीक है, और अगर फ्रेंड्स बन गए थे तो उनसे पूछ लेना कि तुम ऐसे इसको कैसे करोगे सॉल्व। ये जब आप पूछते हो तो इससे आपको दो तीन मेथड्स पता लग जाते हैं। और पेपर में ऑब्वियसली मैंने कहा कि आपको टाइम लिमिट के बीच करना होता है, तो टाइम लिमिट उसमें फिर बच जाती थी कि हाँ उस बंदे का मेथड बहुत ईजी था, मेरा टाइम बच गया। तो वो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार तो करना ही पड़े, चाहे वो मॉक टेस्ट में भी हो ना। मॉक टेस्ट में भी अगर मैंने क्वेश्चन सही करा है, मैं उसको दोबारा सॉल्व करती थी, अगर मैंने पहले 30 सेकंड में किया था तो मैं 10 सेकंड में कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो आपकी स्पीड प्लस आपको रिटेन करने में काफी हेल्प करता है। तो मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से, और कितने मतलब एक जैसे प्री है मेरा, 3 महीने बाद कोई प्री है, तो उस प्री के कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, और फिर मेंस के कैसे देने चाहिए, कब देने चाहिए और कितने देने चाहिए, और कितनी इंपॉर्टेंस है ओके, इस चीज पे ध्यान थोड़ा देना। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। पहली बात, इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे नो डाउट, मुझे लगता था मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फिर भी मैं आरआरबी पीओ मेरा पेपर हुआ था, 80 में से सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड ही नहीं थी, मैं वहां पे स्टक हो गई, पजल में स्टक हो गई, आगे बढ़ नहीं रही, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बहुत चीजें होती हैं, बहुत फैक्टर्स होते हैं। द मेन पॉइंट इज कि स्पीड नहीं थी, उसकी वजह से मेरे मैथ्स के क्वेश्चन भी नहीं हो पाए। तो स्पीड के लिए इसीलिए मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पड़ते हैं। बट प्रोवाइडेड आप कौन से प्रेपरेशन के फेज में हो, अगर आप बिगिनिंग में हो, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, उस टाइम मेरा ये होता था कि मैं जैसे लिमिटेड मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, मुझे होता था कि मुझे मॉक टेस्ट वेस्ट नहीं करने अपने। तो जब मेरी प्रेपरेशन थी, जो मुझे लगता था अभी पूरा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते, तो मैं हफ्ते में दो, हार्डली दो या तीन मॉक टेस्ट देने होते थे, एक वीकेंड पे दे दिया, एक मिड में और एक वैसे जब मन कर गया, ठीक है, फिर उसको एनालिसिस कर लिया, उसको पढ़ लिया, फिर मैथ्स भी कर लिया है और रीजनिंग वगैरह सब भी मेरी हो चुकी है। उस टाइम पे मेरा हो गया था, मैं 2 दिन में एक टेस्ट मेरा हो गया था, ठीक है। अब जब मेरा पेपर, जैसे आपने कहा कि अगर 3 महीने बाद पेपर है, ठीक है, तो तब मेरा हो गया था ज्यादा कि हाँ मैं ट्राई करूं कि मैं दिन में एक मॉक टेस्ट तो जरूर ही दूं, ठीक है। वो चीज फिर अल्टीमेटली आपको स्पीड, आपको जब एक अंदर आपकी फीलिंग आती है कि मेरे मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, आप और करते हो और करते हो। और मेरा ये होता था अगर पेपर का लेवल यहाँ पे आ रहा है तो मॉक टेस्ट यहाँ लेवल का दूं, क्योंकि लिटरली आप जब एक औखे लेवल का मॉक टेस्ट करके जाते हो, पेपर में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो अगर पेपर इजी आता है, ठीक है, लेकिन आप इजी करके जाते हो तो टफ आ जाए, फिर बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है कि हाँ मैं शायद, मैं गलत, मेरे से हो नहीं रहा, या मैं ही शायद कम पीछे हूँ, बाकी सब कर रहे हैं, मेरे से ही नहीं हो रहा। और ये बहुत गलत फैक्टर होता है। आप, मुझे एक टीचर ने कहा था कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर ईजी है तो सबके लिए ईजी है, तुम अकेले नहीं हो, ऑन एन एवरेज सब बच्चे तुम्हारे जैसे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे 10% ही होते हैं, 90% हमारे जैसे हैं। तो उस चीज में फिर ये मॉक टेस्ट आपकी काफी हेल्प कर देते हैं, अगर आप सही मॉक टेस्ट और सही टाइम पे शुरू कर दो देना। ठीक, तो इसमें ये पूछूंगा कि एनालिसिस से आपका क्या मतलब, अगर सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो एनालिसिस कैसे करते थे आप मॉक की? ठीक है, जैसे मैंने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैंने सबमिट किया, उसके बाद दो चीजें आती हैं, एक तो जो आपने अटेम्प्ट करे, एक आते हैं जो आपने नहीं अटेम्प्ट करे, तीसरे आते हैं जो आप विजिट ही नहीं कर पाए, ठीक है, और एक होते विजिट तो कर लिए लेकिन देखे हो नहीं पाए या गलत हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती थी जो मेरे, मैंने विजिट ही नहीं करे, ठीक है, देख ही नहीं पाई मैं उसको, ठीक है, वो चीज बताती है कि आपने टाइम में कितना लैग करे थे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आपको पहले हर क्वेश्चन पे विजिट कर पाओ, ठीक है, वो आपकी स्पीड मैटर करती है। उनको मैंने सॉल्व करना था अपने तरीके से, हाँ कैसे किया, मैंने बेसिक से किया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे किसी डायरेक्ट मेथड से, रेशियो क्वेश्चन या जैसे भी डायरेक्ट मेथड होते हैं उनसे होता है, वैदिक मैथ से होता है, तो वो ट्राई करना है। अगर नहीं होता तो उनका जैसे सोल्यूशन आप बेसिक तरीके से पहले ट्राई करो, बेसिक से ऐसे यही पता चल जाता है कि एटलीस्ट आपको क्वेश्चन आता तो है ना कैसे करना है। वो तो बात की बात है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक लगा के आपने जल्दी सॉल्व कर लिया, तो पहले आपको क्वेश्चन आने चाहिए, वो चीज हो गई। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने विजिट किए लेकिन मेरे से हो नहीं पाए, कई बार ऐसा होता था पेपर में जब मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ मेरे से क्वेश्चन हुआ नहीं, जब बाद में मैंने ट्राई किया झट से हो गया, वो क्यों था, वो आपको बता दी कि आपने कितना प्रेशर ले लिया था अपने ऊपर कि हाँ टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी करना है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। कई बार हम वैल्यूज ही गलत लेते लेते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको फिर वहां पे ऑब्जर्व करने को मिलती हैं कि हाँ मुझे शायद उस टाइम पे काम रहना था, मुझे ध्यान से देखना था, मैंने ये गलती करी, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को सोचा, हाँ ठीक है यही पूछा होगा, या जल्दी जल्दी पढ़ लिया, हाँ ठीक है यही पूछा होगा। जैसे हमारे यहाँ जाते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछा होता है, दो तीन क्वेश्चन सिनोनिम्स के आगे, चौथा क्वेश्चन एंटोनिम्स होगा, आप लोगों का सिनोनिम ही होगा, कर दिया। वो चीज आप जो करते हो कि नहीं यार मुझे ये पता चलता है कि मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे मैथ्स की अगर बात करूं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो सब भी हो गए। उसके बाद आप जो आपने सही करे हैं
उसमें जैसे टेक्स्ट बुक में आपको टाइम बताता है ऑन एन एवरेज बच्चों ने कितने टाइम पे किया, आपने कितने टाइम पे किया, उस चीज को चैलेंज लो, उस क्वेश्चन को दोबारा से करो अपने टाइमर लगा के कि हाँ मुझे भी इस विद इन टाइम दैट टाइम लिमिट में करना है। ऑल दो आपने एक बार कर लिया तो आप नेक्स्ट टाइम जल्दी कर लोगे, बट स्टिल आपको दो तीन बार क्वेश्चन करोगे, अगर आपने 1 मिनट लिया तो फिर भी आप 20-30 सेकंड पे आ जाते हो। तो करेक्ट ये चीज आपकी, एक तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाता है अच्छे से, दूसरी चीज आपकी स्पीड बढ़ जाती है अच्छे से। करेक्ट, बहुत अच्छे से बताया। और अब थोड़ा सा ये चीज पूछनी है, आप भी एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, तो मुझे ये पूछना है कि जैसे एग्जाम्स में प्रेशर आ जाता है, जैसे आपने बोला एक दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए तो प्रेशर बिल्ड हो गया, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, किसी की फैमिली का थोड़ा प्रेशर है, किसी को जल्दी जॉब लेने का प्रेशर है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने से डर लगता है इसलिए वो उसको जल्दी पेपर क्लियर करना है, तो ये सब कैसे घर छोड़ के जाएं और एक्चुअल एग्जाम में कैसे अपने माइंड को थोड़ा शांत रख सकते हैं। एक्चुअली ये सब फैक्टर जो होते हैं ना, ये भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बताते हैं कि आपको पेपर क्यों क्वालिफाई करना है, आपके लिए पेपर क्वालिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना था, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, और मेरे लिए वो थोड़ा टाइम स्पेन भी कम था कि मुझे एटलीस्ट विद इन 1 ईयर अपना पेपर निकालना ही है, काफी प्रेशर था। ठीक है, तो उस चीज में ये था, जब प्रेपरेशन करती थी तब तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं सॉर्ट कर लेते हो चीजें, लेकिन हाँ जब आप एग्जाम में जाते हो ये बहुत चीजें, देखो एक मुझे सेइंग किसी ने कहा थी कहीं, अगर अदरवाइज चीजें तो खराब होनी होनी है। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, ये तो वर्स्ट पार्ट है, वर्स्ट सिनेरियो सोच के जाओ, पेपर हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये सोच के जाओ कि मेरी प्रेपरेशन अच्छी है, मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली चीजें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले ही सोच के जा रहे हो यार पेपर मेरा अच्छा नहीं होगा, मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली खराब होगी। तो ये चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप वर्स्ट सीन ये सोच लो कि हाँ हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन अगर मैं अच्छी चीजों के साथ जाऊं, ठीक है, अच्छी सोच के साथ जाऊं कि नहीं मेरे पेपर निकालना है या जो भी है, आप काम होके जाओ, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी, और अदरवाइज वो चीज छोड़ दो तो कोई उसका वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज का। करेक्ट, तो मतलब ये सोच लो कि अगर नहीं भी कुछ सोच रहे हैं तो भी कौन सा हो रहा है, तो अच्छा सोच के जाएं तो क्या पता अच्छा हो जाए। बहुत यस अच्छा आपने कि बताया। हाँ अगर नहीं भी किया तो फिर ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको थ्रू आउट योर प्रेपरेशन बहुत मोटिवेटेड रखा, मतलब व्हाट इज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको जब भी आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन में शुरू करने वाले हो, आपको पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहता है, आप क्यों करना चाहते हो, किसके लिए करना चाह रहे हो, ठीक है, किस जने आप ये पेपर निकालना चाहते हो, अगर आप बैंकर बनना चाह रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो, आपको घर को हेल्प करनी, जैसे ऐसे। तो मेरा पहली मोटिवेशन यही थी कि मुझे अपनी फैमिली को हेल्प करना है और खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखनी है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर थे जो मुझे हमेशा मोटिवेट रखते थे। मुझे यही होता था मुझे खुद के लिए करना है, मैं कहीं मैंने कभी भी मोटिवेशनल वीडियो कोई नहीं देखी, ठीक है, कि हाँ कैसे मोटिवेटर रहे, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये खुद के लिए करना है, और वो मुझे कोई बाहर से आके नहीं बताएगा कि तुझे खुद के लिए करना है इसीलिए तुम पढ़ो, मैं खुद ही, अगर मेरे सुबह 6 बजे उठना है नहीं मन कर रहा फिर भी उठती थी, नहीं यार पढ़ना है खुद के लिए पढ़ना है, रात को अगर नींद आ रही है फिर भी नहीं ठीक है पढ़ना है 12 बजे तक पढ़ना है, जैसे भी है। तो पहली चीज तो यही है, आप किसके लिए पढ़ रहे हो ये आपको रियलाइज करना ही पड़ेगा, और वो आपके लिए कितना मैटर रखता है वो मैटर, मतलब वो उस चीज को रियलाइज करना है। दूसरी बात, अगर आप मोटिवेशन की बात करो तो जैसे यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी अपने बहन के बारे में, ठीक है, मेरी बड़ी सिस्टर सुनैना, तो जब हम मैं छोटी थी, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन या स्कूल में थी, तब उन्होंने मास्टर्स करी, बीएससी, अपनी एमएससी करी, उसके बाद पहले वो स्कूल में टीचर थी, बट उनको ऐसे किसी ने कहा कि तुम्हें, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बैंक वगैरह की जॉब दो, गवर्नमेंट जॉब है अच्छी है ऐसे। उनका होता था सुबह स्कूल पढ़ा के आना, ठीक है, पहले क्लास लगाने जाना, उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था, मुझे तो फिर भी की थी कैसे करते हैं, यूट्यूब आ गया था, नेट आ गया था, उनके टाइम पे तो इतना इंटरनेट भी नहीं था। उन्होंने आईबीटी ज्वाइन किया, सुबह क्लास लगा के नहीं भाग भाग के, फिर स्कूल जाना पढ़ाना है, फिर वहां से जाके क्लास लगा के वापस आना है, ट्यूशन देनी है, फिर रात को पढ़ना है, फिर सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ना है। तो उन्होंने अपने 5-6 महीने के पीरियड में इतनी, मतलब हार्डवर्क किया, उन्होंने फाइनली जॉब ले ली। मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि उन्होंने इतने काम के बावजूद पेपर निकाले, मैं तो तू ही फ्री, मैंने तो पूरा टाइम दिया हुआ है घर वालों ने कि तू पढ़, हम तुझे कोई कह नहीं रहे कि तू जॉब करे ऐसे कर, तूने पढ़ना ही है बस। तो वो चीज तो मुझे इतनी अफेक्ट करती थी कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी पेपर निकालना है, और दीदी से भी, मतलब जिसे उन्होंने क्लैरिकल निकाला था कि
हाँ उनसे भी ज्यादा पेपर निकालने हैं, तो कि उनको लगे कि हाँ उन्होंने सही जगह इन्वेस्ट किया है अपना। बहुत अच्छे। तो आप फैमिली से या फिर किसी से भी मोटिवेशन ले सकते हैं, जो भी आपके आसपास अगर किसी कोई भी अच्छी चीज आप देख रहे हैं तो मोटिवेशन ले सकते हैं। इसके अलावा देखो, हमने काफी बात कर ली सब्जेक्ट वाइज, बट दो चीजें रह गई। एक चीज रह गई कि डिस्क्रिप्टिव कैसे आपने तैयार किया था, और दूसरी चीज ये रह गई कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी। तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपने बोला आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, तो लोगों को सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं कि यार मैं सरकारी स्कूल से हूँ, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो मतलब कैसे वो सेल्फ डाउट दूर करें और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफ़ी सही बात मेंशन करी है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट स्कूल में होने की वजह से मेरा इंग्लिश में एक्सपोजर अच्छा नहीं था। तो जब मैंने आपको अभी कहा कि द हिंदू मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो डिस्क्रिप्टिव की भी मेरा ऐसा था जैसे मेरे दिन के अगर मेरे पास 10-12 घंटे मैंने पढ़ना है, तो मेरा एक होता था 1 घंटा तो मैंने राइटिंग के लिए रखा हुआ था। जैसे इवन अगर मैंने आर्टिकल भी पढ़ा है, आज मैंने आर्टिकल में क्या पढ़ा है, अच्छा मैंने 2 आर्टिकल पढ़े हैं, ये बात हुई थी, फिर उसको मैं अपने वर्ड्स में लिखता कितना रिटेन रहा है उसमें, अगर मैंने वोकेबलरी सीखी है तो मैं उसको मुझे कितनी याद है कि मैं सही जगह उसको सही यूज करूँ। उससे क्या होता था, मेरे ग्रामेटिकल रूल्स मुझे ध्यान में रहते थे, वर्ब यू नो शुड जस्टिफाई विद द सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद वोकेबलरी होगी, तो ये चीजें मैं राइटिंग में लिखती थी, फिर मैं ये देखती थी कि हाँ मैंने उसके अकॉर्डिंग कितना सही लिखा है, कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट। तो मैंने नॉर्मली मेरा होता था दिन का 1 घंटा मैंने आधा या जितना टाइम मतलब उसको राइट अप करने में लगे, ठीक है, और उसको लिखने के बाद जैसे जैसे कभी मैंने अपनी बहन को पढ़ा दिया, कोई मेरे जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो काफी अच्छे अच्छे मतलब उनकी है मुझे पता है, तो उनको मैंने भेज दी कि हाँ मेरी गलतियां बताना इसमें से, ठीक है, या आपको जैसे कहा टेलीग्राम ग्रुप्स में बच्चे इतने थे वो भी बहुत हेल्पफुल है, उनको भेज दिया कि कोई प्लीज बता दो इसमें मैंने क्यों गलती है, मैं क्या करूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, वो सब मैंने करना। फिर जब मेरा ऐसा हो गया था कि हाँ अब मुझे लिखना आ गया है, मुझे आइडिया लग गया कि हाँ मेरी इंग्लिश वगैरह ठीक होगी, तब मैंने फिर टाइपिंग की तरफ गई थी, क्योंकि हमें वहां पे टाइप करना पड़ता है। फिर जब ऐसा था जैसे अगर मेरा नवंबर मुझे नवंबर में मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ था, मुझे पहली बार प्रेपरेशन से आइडिया लग जाता है कि हाँ शायद अब आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, तब जब सेंस आने लगी थी तब मैंने टाइपिंग शुरू कर दी थी, तब भी मैं यही लिखती थी, हिंदू आर्टिकल के कुछ टाइप करने शुरू कर दिए, कोई जैसे यूट्यूब वीडियोस पे आप देख लो हाँ जी कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उस पर लिखना शुरू कर दिया, चाहे ज्यादा ना दो आधा घंटा भी थोड़ा थोड़ा शुरू से करना शुरू करो ना, हो जाता है, ठीक हाँ है। मतलब फॉर और दूसरी बात ग्रांटेड, आपने इंटरव्यू की पूछी थी, अगर हाँ फॉर जी हाँ जी ग्रांटेड ले रहे हैं जो लोग, फिर उनको नुकसान हो जाएगा उनके, क्योंकि ये वाले 15-20 नंबर बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, तो इसको आप फॉर बिल्कुल ग्रांटेड मत लेना डिस्क्रिप्टिव को। और जैसे इन्होंने कहा कि आप समराइज करो आर्टिकल्स को, उसके बाद टाइपिंग करो उसी चीज की, तो ये चीजें आपको काफी हेल्प करेगी। और ये सिर्फ बहाने हैं कि आप सरकारी से हो या किससे हो, अगर आप किसी चीज पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत अच्छे से जरूर क्लियर होगा। डेफिनेटली होते हैं, डेफिनेटली ठीक होते है, हैं, तो बिल्कुल। अब मूव ऑन करते हैं अपने इंटरव्यू सेक्शन पे। तो इंटरव्यू की कैसे तैयारी की थी, और कुछ स्पेसिफिक किया था या फिर अपने कॉन्फिडेंस से ही आपने इंटरव्यूअर्स का दिल जीत लिया। इंटरव्यू का ऐसा था, जब तक मेरा मेंस नहीं हुआ था मैंने इंटरव्यू पे ध्यान भी नहीं दिया था, मुझे था कि हाँ जब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है पहले मैं उस पर टाइम दूँ, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा टाइम लेती है। उसके बाद जब मेरा मेंस हो गया था तो इंटरव्यू के लिए हाँ मुझे स्पेशली था कि मुझे कोई मिले जो मेरा इंटरव्यू ले सके, मैं अपने जैसे कभी बहन को बोल दिया मुझसे ये क्वेश्चन पूछ के देखो मैं कैसे आंसर देती हूँ, मैंने आंसर सही दिया है, मैंने यूट्यूब वगैरह पे इंटरव्यू वगैरह पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है वो इंटरव्यू पूछते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं बायोटेक फील्ड से हूँ तो बायोटेक से बैंकिंग वाई एंड हाउ आर यू बेनिफिशियल टू अस, ठीक है, आपका बैकग्राउंड हमें क्यों फायदा करेगा, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन ये जो इस है क्वेश्चन का आपने हमेशा क्या जवाब इंटरव्यू दिया था कि मतलब बीइंग एन इंजीनियर व्हाई आर कमिंग टू बैंकिंग, आपने क्या जवाब दिया था इसका, कैसे रिलेट किया बायोटेक को, मैंने हाँ जी कैसे रिलेट किया था आपने बैंकिंग से। मैंने उनको ये कहा था कि बायोटेक का किसी भी एंगल से कोई लिंक नहीं है बैंकिंग से, जो यहाँ पे चीज मैटर करती है वो ये है, बायोटेक से मैंने कभी मेरा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था बायोटेक में, लेकिन अल्टीमेटली मैंने बीटेक इंजीनियरिंग बायोटेक में करी, दो की मैंने नए सब्जेक्ट सारे सीखे, अच्छे अच्छे मैंने ग्रेड लेके वो पास किए, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट भी जैसे मैंने आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताया था कि बावजूद इसके कि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था मैंने फिर भी उसमें अपना बेस्ट दिया, बेस्ट किया और मेरा प्रोजेक्ट टॉप 10 कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में सिलेक्ट हुआ, ठीक है, तो उस और ये चीज ये रिफ्लेक्ट करती थी कि मैं ये चीज चेंज को अडेप्ट कर सकती हूँ, मुझे जो टास्क मिले वो मैं कर सकती हूँ, और मेरा बैंकिंग में आने का मकसद ये था आई वांटेड अ गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब,
और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैंने उनको जेन्युइनली जवाब दिया था कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और मैं खुद चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं। और बायोटेक में इंडिया में बहुत गवर्नमेंट जॉब्स कम हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको मिले। उसके लिए आपको PhD और बहुत हायर स्टडीज करनी पड़ती है, और इतना अभी मेरा था नहीं कि मैं हायर स्टडीज परस्यू कर सकूँ। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी जेन्युइनली उसको माना भी कि हाँ ठीक है। तो मैंने उनको यही बोला था कि मेरा पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब लेना मेरा ड्रीम था। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेनिफिशियल नहीं हो सकती, आपके लिए नहीं हूँ, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आई एम अ गुड लर्नर, ठीक है, वो एंड हार्ड वर्किंग। तो मैंने 6-7 महीने में पेपर, अपने 4 पेपर निकाले हैं, ठीक है, बावजूद इसके कि ना मेरा LIC में बैकग्राउंड, कोई मैंने कहीं इंश्योरेंस पढ़ी है ना, बावजूद इसके मैंने बैंकिंग भी कभी नहीं पढ़ी है, बट मैंने फिर भी निकाले। तो ऑब्वियसली आने वाले सालों में जब भी मेरा ट्रेनिंग पीरियड होगा तो मैं बैंकिंग भी सीख लूंगी और अच्छे से परफॉर्म करूंगी। एंड दे वर क्वाइट हैप्पी कि ओके नाइस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द आंसर्स जेन्युइन देयर. तो इसके अलावा मतलब यस इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन थी वो आपने मेंस के रिजल्ट के बाद ही की थी, और कैसे मतलब वो यस एक बार दे दो थोड़ा सा आप. मैंने ये देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो है अड्डा 247 के वीडियोस हैं, वाईफाई स्टडी की वीडियोस हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि मोस्ट कॉमनली क्या पूछा जाता है। फिर जैसे आपको मैंने बताया, IBT में मैंने ज्वाइन कर रखा था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, उसकी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलती है, तो मैंने वो भी ले रखी थी। वहाँ पे ऐसा था, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं चले जाती थी क्लास लगाने। और वहाँ पे फिर जब इंटरव्यू आया तब मैंने वहाँ पे ज्यादा ज्यादा जाना स्टार्ट किया था। वहाँ पे ये अच्छी चीज थी कि वहां पे हमारे पास मैम थे, ठीक है, वो हमसे क्वेश्चन पूछते थे काफी, मतलब नॉट ओनली विद बैंकिंग बट एक पर्सनलाइज जो इंटरव्यूज होते हैं, जैसे उन्होंने मुझसे पूछ लिया थे कि आपको क्या लगता है कि मनी मैटर करती है या प्यार। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और उसमें भी उन्होंने आंसर, मतलब आंसर, मेरा आंसर जैसे मैंने उन्हें दिया उनको पसंद नहीं आया, फिर भी उन्होंने हमें बताया कि आंसर कैसे देते हैं। मतलब कई बार आपको एक्सपीरियंस लोगों से, कोई आप जब आप इंटरव्यू देते हो आपकी हेल्प होती है। अदरवाइज अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, अपनी कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो उनको तो मैं यही कहूंगी कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे आप भी बताते रहते हो हाँ उनको भाई, कैसे करना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं आपसे एक हाँ जी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब IBPS के इंटरव्यू होंगे तो क्या आप मॉक इंटरव्यू ले लेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के एक श्योर, दो, डेफिनेटली, तो इट उसमें माई इट विल बी माई प्लेजर, ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स. क्योंकि मेरी कभी किसी ने हेल्प करी थी, अब मैं दूसरों की हेल्प करूँ। बिल्कुल, इट इज ऑल अबाउट डूइंग अवर बिट फॉर द पीपल अराउंड अस. ग्रेट, ठीक है. तो ये अब तो प्रोडक्ट है ना, कभी और एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इस पे कि अभी लाइफ कैसी चल रही है PO के. आप प्रोबेशनरी ऑफिसर है, मैं भी हूँ, तो उसमें कैसी लाइफ चल रही है, और बाकी भी डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या वर्किंग होती है, क्या क्या वर्क प्रोफाइल में हमें एक्सपोजर मिलता है. लेकिन अब बस थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ में बता दीजिए कि इज इट वर्थ टू क्लियर दिस एग्जाम. डेफिनेटली इट इज, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक लौता सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होती है, और विद इन टाइम, जिस बच्चे के लिए टाइम बहुत मैटर करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, बैंकिंग सेक्टर उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, प्लस आपको इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है एज अ PO ऑल्सो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पोस्टिंग की भी बात करो, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कों को थोड़ी दूर पहले भेजते हैं, ठीक है, 1-2 साल, लेकिन फिर उसके बाद आप अपने घर की स्टेट में आ सकते हो। और लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, हमारे साथ जो है, ठीक है, उनको मोस्टली लड़कियों का यही होता है कि बाहर पोस्टिंग नहीं लेनी, ये थोड़ी दिक्कत है ऐसे ऐसे, बट डेफिनेटली ये एक चैलेंज होता है, बट आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आप एक आपके अंदर की इंडिपेंडेंस आती है, तो ये चीज, ये सोच के मत पियो, मतलब छोड़ो कि हाँ मेरी पोस्टिंग दूर हो जाएगी तो मैं इसीलिए नहीं करना, मुझे क्लरिकल रहना है। नहीं, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उसमें हमें ये चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करने हैं, हमें अगर बाहर जाना भी पड़े तो हम जाएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली बैंक की, अगर मैं, आप जिसने जो पूछा ही है, तो आपको अगर एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, और अपनी फैमिली के भी साथ आप सोचते हो कि हाँ आगे जाकर मेरे फ्यूचर में मुझे प्रॉपर सेटलमेंट मिले, तो डेफिनेटली बैंक की जॉब काफी अच्छी है ऊपर एज से कम्पेयर टू स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी आती है, तो एक रिस्पॉन्सिबल, प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, तो रिस्पॉन्सिबल जॉब भी, और आपका सोसाइटी में नाम भी काफी अच्छा रहता है. इट्स काइंड ऑफ बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब, तो रिस्पेक्टेबल जॉब, रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो वर्थ इट है मतलब आपके हिसाब से पूरी. करेक्ट, बिल्कुल आई और एग्री। बहुत बहुत आपने ज्ञानवर्धक बातें की यहाँ पे, नॉलेज अपनी शेयर की, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया लड़के लड़कियों का सबका. तो अब थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा आपके साथ. तो ज्यादा जैसे आप बहुत सोच समझ के जवाब देती हैं, मैं कुछ भी पूछता हूँ तो आप कहते हैं अच्छा, फिर आप जवाब देती हैं, तो हमें वैसे जवाब नहीं चाहिए, ओके डायरेक्ट चाहिए इन वन शॉट, और जो भी आपके दिमाग में आया आप बोल देना. ठीक है, तो
आपका फेवरेट फूड क्या है? ओके पिज्जा। पिज्जा है, ठीक है। और फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? सिंगिंग। ग्रेट। और अगर एक सुपर पावर आपको मिले तो आप क्या लेना चाहेंगे वो सुपर पावर? बीइंग इनविजिबल, लोगों क्या करेंगे इनविजिबल होके? लोगों की मदद करेंगे आप? को ऑब्जर्व अच्छा, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करेंगे, जैसे, ठीक हाँ ये भी ऑब्जर्व भी है प्लस सुपर, जैसे मेरा जो हमारी मूवी आती थी मिस्टर इंडिया, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जैसे उसकी उसने काफी अच्छी अच्छी काम किए थे। तो हाँ, है। तो वैसे आपने लास्ट मूवी या वेब सीरीज कौन सी देखी है? ठीक वैम्पायर डायरीज लगी? बहुत अच्छी। ठीक है। अब एक और चीज पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि टू क्वालिटीज यू सी अ डिसेंट एस्पिरेंट। पेशेंस एंड हार्डवर्क। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फाइनल टिप्स, आप कुछ सुपर टिप्स अपने देने चाहें बच्चों को, सबको, तो क्या देंगे? टिप्स यही है कि पहली बात अपने पे विश्वास रखें कि ठीक है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा पेशेंस रखें, हो सकता है जैसे अभी कोरोना के टाइम पे बच्चों के पेपर नहीं आ रहे, सब मेरे फ्रेंड्स खुद जो प्रिपरेशन कर रहे थे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इस चीज को पॉजिटिवली लें, ठीक है। हो सकता है ये चीज आपको ये बता रही है कि शायद आपकी प्रिपरेशन में अभी और चीजें जरूरी हैं, आप उन सारी चीजों को ओवरकम करने का आपको बहुत बेनिफिशियल टाइम मिला हुआ है। तो आप कल को ये बहाना नहीं लगा सकते कि मेरा पेपर जल्दी आ गया था, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, ठीक है। तीसरी बात, हार्डवर्क, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे बहुत मेरा बहुत अच्छा IQ नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट मेरे हार्डवर्क की वजह से मुझे लगता है कि मुझे जो चीजें मिली हैं वो आज मिली है। करेक्ट। ये तीन चीजें एक हर एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए। हार्डवर्क, पेशेंस एंड सेल्फ बिलीफ, यू आर सेइंग। और बस दैट्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, थैंक यू सो मच। तो आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा मेरे हिसाब से। ट्राई बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगे कि और भी कोई सेशन करें कभी। तो इस बार के लिए हाँ इतनी, जी, थैंक यू सो मच रितु फॉर कमिंग हियर। ठीक है, थैंक यू। बाकी फिर से बुलाने की कोशिश करेंगे कभी।